सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग अलग तरह के होते हैं, मगर इस बार राजसमंद आज एक ऐसे कार्यक्रम का साक्षी बनने जा रहा है जो हालांकि हमने गाँव की उन संस्कृतियों में खूब देखा है, उसके खूब हमने आनंद लिए हैं, मगर अब धीरे धीरे कहीं लुप्त हो गया है। उस लुप्त हो गए सांस्कृतिक हमारे महत्वपूर्ण जुड़ाव को दैनिक भास्कर एक नवाचार के साथ वापस लेके आया है। तो देखिए आप पहले तो है क्या कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं आप? नरप सिंह जी हमारे साथ हैं, पत्रकार दूसरे चैनल पर कम दिखते हैं, दूसरे पत्रकार किसी दूसरे चैनल को कम कवर करते हैं, मगर आज हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आयोजन इतना अच्छा है। देखिए शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में यह गहर महोत्सव होली पर होता आया है और लगभग एक महीने तक चलता आया, परंतु ये धीरे धीरे ये परंपरा लुप्त होती जा रही है। इसलिए हमने क्या हुआ कि संस्कृति और परंपरा को बचाने और संरक्षण करने के लिए दैनिक भास्कर नगर परिषद और जेसी ग्रुप के साथ मिल करके एक अच्छा आयोजन कर रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी को ये एक संदेश जा सके कि संस्कृति को बचाए रखना और गैर होता क्या है, कैसे खेलते हैं और इसका क्या महत्व है, इन सबको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को दैनिक भास्कर करने जा रहा है। अलग अलग कार्यक्रम होते हैं सांस्कृतिक रूप से, खूब सारे इतने कार्यक्रम होते हैं और राजसमंद तो वैसे भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों की धरोहर यहाँ मतलब धरा है ये अलग अलग प्रकार, मगर यहाँ एक आप अलग ही निकाल के लाए इस बार। हमको भी लगा कि ये गैर नृत्य, क्योंकि आप गाँव में भी आप देखते हैं जिन गाँव से वीडियो आते हैं तो हमारे एकदम बिल्कुल रोमांच आ जाता है, तो शहर मुख्यालय पर इसको लाना और फिर इसका स्वरूप क्या रहेगा, प्रतियोगिता की तरह होगा या कैसे क्या रहेगा? बिल्कुल, इसमें है ना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट लोग हो सके उसके लिए इसको प्रतियोगिता की भांति रखा है, जिसमें अपन जो विशेष तौर से वेशभूषा बना कर आएंगे उनके लिए बोनस अंक अलग से होंगे और विजेता को हम 11,000 रुपये दे रहे हैं और उप विजेता को हम 5,100 रुपये देंगे, और इसके साथ ही जो एक लास्ट में एक राउंड करवाएंगे जो बेस्ट गेयर खेलने वाला होगा उसको हम शील्ड और यथासंभव नगद पुरस्कार देकर के उसको भी सम्मानित करेंगे। आपने कभी गांव में गेयर के आनंद लिए नहीं लिए? मैंने बचपन में खूब खेला पर विगत 10 वर्षों से मेरे गांव में गेयर नहीं होता है, इसलिए मैंने कहा कि इस परंपरा को वापस जीवित करने के लिए ये करना ठीक रहेगा। तो देखा आपने एक बेहतरीन आयोजन है, और मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि ये सिर्फ दैनिक भास्कर का कार्यक्रम नहीं है, ये हम में से हर एक उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो हमारे इन आयोजनों से, इन गांव के बड़े ही ठेठ परंपरागत आयोजनों से जुड़े रहे हैं, उनको अपने दिल में तो जिंदा रखते हैं मगर आज जब विलुप्त हो रहे हैं तो उनको ये धरातल पर भी जिंदा करने की हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। तो आइए भास्कर की इस पहल का हिस्सा बनते हुए आज शाम कांकरोली में बड़े ही बेहतरीन तरीके से इस आयोजन को आनंद ले, सब कुछ भूल भाल के आनंद ले, और फिर वहाँ बैठकर अगर आपको अच्छा लगे तो दैनिक भास्कर का बहुत बहुत धन्यवाद भी करें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।